हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा वॉइस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में नरेशंस के बारे में पढ़ा था और आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे वॉइस यानी वाचा। वॉइस यानी वाचा। स्टूडेंट्स, एक बात को कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि एक तो मैं कहूँ कि राम ने रावण को मारा, या फिर मैं कहूँ कि रावण मारा गया राम के द्वारा। ये दोनों सेंटेंस आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है। अर्थ जो है वो इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, सिर्फ बात को कहने का तरीका बदल गया है। तो बात को कहने के आधार पे, किसके आधार पे, बात को कहने के आधार पे वॉइस यानी वाच्य को दो भागों में बांटा गया है। वॉइस यानी वाच्य को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को हम कर्ता प्रधान कहते हैं। इसमें कर्ता सक्रिय होता है। कैसा होता है? सक्रिय होता है, या फिर इसे कर्तृवाच्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य भी इसको कहा जाता है। ये है हमारा पैसिव वॉइस, कर्म प्रधान। यहाँ कर्म सक्रिय होता है एवं कर्ता जो है वो निष्क्रिय होता है, और इसे कर्मवाच्य कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। एक एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है साधारण वाक्यों में, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीडीसी। साधारण वाक्यों में इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीडीसी। जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में बदलने का जो इसका नियम है, इसका जो फॉर्मेट है पैसिव वॉइस का, वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे? सब्जेक्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। दूसरा क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी चेंज। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? चेंज होगी। प्लस मेन वर्ब हमेशा याद रखें, थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। प्लस यहाँ लगाएंगे हम बाय और यहाँ लगाएंगे हम सब्जेक्ट। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए, दो इन दोनों चीज़ों को समझते हैं हम। मैंने यहाँ कहा कर्ता प्रधान यानी सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। तो देखो, घर में कोई भी मुखिया होता है, घर का जो प्रधान होता है, सारे काम सबसे पहले किसको रखते हैं? उन्हीं को रखते हैं। तो आप उसी चीज से समझ लीजिए कि जो मुखिया होगा वो सबसे पहले आएगा, जो मुखिया होगा वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट मुखिया है, सब्जेक्ट प्रधान है, इसलिए कैसा है, कहाँ आया है, सबसे पहले आया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कह रहे हैं। यहाँ कर्ता प्रधान है, यहाँ मुखिया कौन है? सब्जेक्ट है, इसीलिए पैसिव वॉइस है। अब यही चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले कौन आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन किसके रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ मुखिया कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? कर्म प्रधान होता है। कैसा होता है? ये कर्म प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो भी आ रही है, जब आप इसको पैसिव में बदलोगे तो ये कैसी होगी? चेंज होगी। कैसी होगी? चेंज। यहाँ मेन वर्ब जो भी है, कोई सी भी है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, लेकिन जब भी आप पैसिव बनाओगे, जब भी आप पैसिव बनाओगे, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे उससे पहले उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाई गई हो, चाहे उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाई गई हो, मेन वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड ही आएगी, चाहे एग्जाम्पल हो या वॉज वर्ब हो
या हैज या हो या डू डज हो, क्या आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव बनाते समय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि पैसिव बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये बहुत बड़ी पहचान है अपने आप में कि आप पैसिव को कैसे पहचाने, पैसिव सेंटेंस का पता कैसे चले। तो पैसिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ आप लगाते हैं बाय। देखो बाय क्यों लगाते हैं, क्या कारण है कि हम बाय लगाते हैं, उसको हम नॉर्मली एक फैमिली होकर समझते हैं, एक अपनी आम जिंदगी से जोड़ते हुए। मान लीजिए कि मैं पहले सरपंच था, ठीक है, आज नहीं हूँ, तो मेरे नाम से पहले क्या लग जाएगा, पूर्व सरपंच। क्या लग जाएगा, पूर्व सरपंच लग जाएगा। तो मैंने आपसे बात की कि ये सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मुखिया है, क्या है, मुखिया। ठीक है, और जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में लेके जाएंगे तो ये कहाँ जा रहा है, सबसे लास्ट में जा रहा है। लेकिन कभी तो था, लेकिन कभी तो ये मुखिया था, इसीलिए इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, बाय से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर हमारे सामने पैसिव का सेंटेंस है और बाय के बाद जो वर्ड लिखा होगा, आप समझ जाओगे कि एक्टिव वॉइस में वो शब्द क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस को कर्ता प्रधान कहते हैं, इसमें कर्ता सक्रिय होता है, इसे कर्तृवाच्य भी कहा जाता है। पैसिव वॉइस को कर्म प्रधान कहते हैं, इसमें कर्म सक्रिय होता है, कर्ता निष्क्रिय होता है, एवं इसे कर्मवाच्य भी कहा जाता है। एक्टिव वॉइस का जो साधारण वाक्यों का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडीसी। और जब हम इन्हें पैसिव में चेंज करते हैं तो ये इस तरह से चेंज होता है कि ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, थर्ड फॉर्म, प्लस में बायर आएगी, प्लस सब्जेक्ट का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, लास्ट में क्या बच जाता है, ईडीसी, क्या बच जाता है, एक्सेट्रा, अन्य इत्यादि हम वहाँ लास्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो वापस से देखते हैं, चेंज नंबर वन, चेंज नंबर टू, थ्री, फोर, अब चार चेंजेस हैं इसमें। तो ये देखिए दो, ये दो चेंज, ये तो हो गए प्रोनाउन रिलेटेड, कौन से हो गए, प्रोनाउन रिलेटेड, और ये हो गए टेंस रिलेटेड, कौन से हो गए, टेंस रिलेटेड। ठीक है, तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टेंस संबंधी परिवर्तन, दो ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखेंगे आप, हमने हमारी लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की थी नरेशंस के बारे में। ठीक है, तो नरेशंस में आपको बताया था कि पांचों प्रकार जो होते हैं सेंटेंसेस के, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, तो पांचों प्रकारों में ही चेंज रहते हैं, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है, परंतु वॉइस में ऐसा नहीं है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय पांचों तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो चेंज नहीं होते हैं, केवल तीन तरह के सेंटेंसेस में चेंज होता है, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, हम केवल तीन को पढ़ेंगे, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव को। तो यहाँ दो तरह के चेंज दे रखे हैं, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज और टेंस रिलेटेड चेंज। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। प्रोनाउन रिलेटेड चेंज की अगर बात करता हूँ तो प्रोनाउन की पहले आपको टेबल आनी चाहिए, प्रोनाउन की टेबल आप सभी को आती है जी, वेरी गुड, आनी भी चाहिए। प्रोनाउन की टेबल अगर आपको याद है, हमारे लर्न है, तो हम प्रोनाउन रिलेटेड चेंज को आसानी से कर सकते हैं। प्रोनाउन रिलेटेड चेंज में हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, क्योंकि हमें करना क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं प्रोनाउन की, उसके बाद इसको हम समझते हैं प्रोनाउन रिलेटेड चेंज को। यहाँ देखते हैं हम, देखिए तीन पर्सन है हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कहता है, यानी स्पीकर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन वो होता है जो बात को सुनता है, यानी लिसनर, यानी श्रोता, हमेशा सेकेंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन की बात क्यों कर रहे हो, मतलब जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे का नाम आता है तो हम बोल देते हैं कि थर्ड पर्सन की बात क्यों कर रहे हो। तो थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन की मैं बात करूंगा, फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन दिए गए हैं, एक होता है हमारा आई और एक है वी। आई मेरा सिंगुलर और वी होगा प्लुरल, वी क्या होगा, प्लुरल। ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है,
इसकी पजेसिव फॉर्म माय और अस, सॉरी आवर, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी और अस। रिफ्लेक्सिव भी होती है, परंतु हमें यहाँ काम आने वाली जो वर्ब है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो ये तीन है। यहाँ हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। तो ये है आपका फर्स्ट पर्सन। क्या है ये आपका फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन में आपके सिंगुलर होता है आई, माई, मी, प्लूरल होते हैं वी, आर, अस। यू आता है सेकेंड पर्सन में, यानी हमेशा स्पीकर कौन होंगे? आई और वी। कौन होंगे? आई और वी होंगे, ठीक है। और यू जो है हमारा ये सेकेंड पर्सन में आता है, इसका मतलब ये लिसनर है। ये होगा यू, योर, यू, इस तरह से यू, योर, यू। यू सब्जेक्टिव है और इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। केवल सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्टिव कौन सा है और ऑब्जेक्टिव कौन सा है। सेंटेंस में अगर आपका यू यूज हो रहा है फर्स्ट में, इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट में कहीं यूज हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव के रूप में है और लास्ट में कहीं यूज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव के रूप में। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन, इसे हम प्लूरल मानते हैं। थर्ड पर्सन में देखो सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। मैं बात करूंगा यहाँ ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट। और प्लूरल में होगा बच्चों दे, देयर, देम। प्लूरल में क्या होगा? दे, देयर, देम। तो ये हमारी प्रोनाउन की टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। इसमें समझने को बिल्कुल इजी, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दो एक सेंटेंस मैंने सिंपल कहा कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। आई आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? मी में, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। अब देखिए मी अगर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? आई में, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। वी आएगा तो अस में हो जाएगा, अस आएगा तो वी में, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। इस तरह से हम ये चेंज करेंगे, यानी पहले को तीसरे में, तीसरे को पहले में हम रख के चेंज कर सकते हैं। अब कंडीशन आती है, इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में, इनकी पजेसिव फॉर्म के बारे में। पजेसिव फॉर्म में चेंज नहीं होगा, पजेसिव फॉर्म आपकी ऐसे के ऐसे ही आएगी। पजेसिव फॉर्म में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पजेसिव फॉर्म हमारी अकेले नहीं आती है। पजेसिव फॉर्म में नरेशंस में चेंज हो सकता है, लेकिन वॉइस में चेंज नहीं होता है पजेसिव फॉर्म्स में, क्योंकि ये हमेशा नाम के साथ जुड़ के आएंगे। योर हाउस, ठीक है, माय बंगलो, माय कार, कोई ना कोई इनके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ के जरूर आएगी, इसलिए इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। चेंज होगा तो सिर्फ कहाँ होगा? यहाँ होगा और यहाँ होगा, यानी सब्जेक्ट को करेंगे ऑब्जेक्ट में चेंज और ऑब्जेक्ट को करेंगे सब्जेक्ट में चेंज। यानी आई आएगा तो मी और मी आएगा तो आई, वी आएगा तो अस, अस आएगा तो वी, यू का यू ही रहेगा, ही आएगा तो हिम, हिम आएगा तो ही, सी आएगा तो हर, हर आएगा तो सी, इट का इट रहेगा, दे आएगा तो देम और देम आएगा तो दे। जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से वॉइस का जो प्रोनाउन रिलेटेड चेंज है वो पूरा होता है। छोटी सी बात है, सिर्फ इतना से याद रखना है आपको कि आपको सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। समझ में आ गई? जैसे मैं ये कहूँ कि ही, ये दो प्रोनाउन है, तो जब इनको सब्जेक्ट को चेंज करेंगे आपस में, जब इनको हम चेंज करेंगे आपस में, तो मी को जब हम आगे लेके आएंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और ही को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाएंगे तो बाय लगा क्या लिखेंगे? बाय हिम। क्या लिखेंगे? बाय हिम लिखेंगे। अब बात आपको समझ में आई कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए मी आ गया आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, अब आप इसको कहाँ लेके आ रहे हैं? फर्स्ट में लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो मी का क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा, क्योंकि मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई होती है। मी को हम फर्स्ट में नहीं रख सकते, यहाँ ही है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए यहाँ पर ही आ रहा है। बट अगर इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। इस तरह से आपके सभी प्रोनाउन रिलेटेड चेंज होते हैं। नाउन में कोई भी चेंज नहीं होता है, नाउन तो नाउन ही रहेगी। मान लीजिए नाम आ गया तो राम का राम ही लिखोगे आप चेंज करके, मरा नहीं लिखोगे, ठीक
ठीक है, मीरा आ गई तो मीरा का मीरा ही नाम रहेगा, रामी नहीं लिख दोगे आप उसका नाम, ठीक है। तो जो चेंज होंगे वो प्रोनाउन में ही चेंज होंगे। इसके बाद बात करते हैं टेंस रिलेटेड चेंजेस के बारे में कि टेंस में किस तरह से आप चेंज करोगे। टेंस में चेंज करने के लिए आपको एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेंस जो है उनमें आपकी जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी आएगी बच्चों, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब कौन सी आएगी उसकी, थर्ड फॉर्म ही हम यूज करेंगे। वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए वॉच वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो वॉइस में वॉच वर्ब के साथ भी क्या होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज में लेंगे। उसको समझने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो उनके लिए जो टेंस जानते हैं, और दूसरा तरीका उनके लिए जो टेंस नहीं जानते हैं। तो मैं बात करता हूँ उसी तरीके से। पहले तो वो जो टेंस जानते हैं, टेंस के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, यहाँ देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के तीन पार्ट हैं और प्रत्येक टेंस के चार पार्ट हैं। इंडेफिनेट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चार पार्ट है, ठीक है। तो अब इन पे हमें काम करना है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम क्या करेंगे कि हैप्पी वर्ब किस तरह से चेंज होंगी, पहले वो चेंज करेंगे दूसरे में, फर्स्ट किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में, और थर्ड किस में चेंज हो जाएगा, फोर्थ में। थर्ड किस में चेंज हो जाएगा, फोर्थ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये, 1 2 3 and 4 5 6, सिक्स चेंज हो गए हमारे। जो टेंस जानते हैं ये उनके लिए है, जिनको पता है कि टेंस क्या होते हैं। अब जिनको पता है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है ये उनके लिए। इसके तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगा जो टेंस नहीं जानते जो हेल्पिंग वर्ब से समझ सकते हैं। तो तीसरा जाएगा चौथे में चेंज, तो तीन यहाँ चेंज हो गए, तीन यहाँ चेंज हो गए, टोटल कितने होते हैं 12। 12 में से कितने चेंज हो गए, 6 चेंज हम कर चुके हैं, 6 चेंज हो चुके हैं, 1 2 3 और 4। जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया है इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। 6 हम चेंज कर चुके हैं, 4 में चेंज होता नहीं है, अब बचते हैं 2। 12 में से 10 पूरे हो गए, बचते हैं 2, एक ये और एक ये। इन दोनों के साथ हम बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। ध्यान देना ये विशेष बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ इजमार आता है और यहाँ बॉस वर्ब आता है, तो इजमार या बॉस वर्ब को हटाएंगे नहीं, उनके साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपके चेंजेस पूरे हुए थे, ठीक है, पूरे हुए। अब बात करता हूँ उनके लिए जिनको टेंस नहीं आते। तो बच्चों ये बताओ मुझे एक बात बताइए आप मुझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीआईएस, या हम काम लेते हैं डूडल्स। क्या काम लेते हैं, डूडल्स। अगर आपको कहीं भी ये नजर आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीआईएस या डूडल्स ये नजर आते हैं, तो आप किसमें चेंज करोगे, एच एम आर, इसमें चेंज हो जाएगा एसएमआर। वर्ब की थर्ड फॉर्म को सबके साथ लगेगी, चेंज जब हम करेंगे। मान लीजिए आपको मिलता है हैज या हैव प्लस वी थ्री, ठीक है, तो आप इसको किसमें चेंज कर दोगे, हैज या हैव प्लस बीन, इसमें चेंज कर दोगे, हैज या हैव प्लस बीन में आप इसको चेंज कर दोगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ ही काम में आएगी। अच्छा यहाँ आएंगे, यहाँ हम यूज़ करते हैं या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं या फिर क्या यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर दोगे, वॉज या वर में, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ काम आएगी। यहाँ होगा हमारा हैड, यहाँ किसको चेंज कर दोगे, इसमें हैड प्लस बीन, क्या लग जाएगा, हैड प्लस बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी काम में। यहाँ होता है हमारा
will या shall, तो ये हो जाएगा दूसरा will be या shall be, ये होता है हमारा will have या shall have, इसको चेंज कर देंगे हम will have been या shall have been, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो काम में आएगी। अब यहां देखिए आप has या have been आए, कोई चेंज नहीं होगा, has या have been का has या have been ही रहेगा, have been आए कोई चेंज नहीं होगा, have been का have been ही रहेगा, will have been या shall have been आए तो will have been और shall have been का will have been और shall have been ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, will be और shall be आए तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, will be और shall be का क्या रहेगा, सेम यही रहेगा, will be और shall be। is am आए या was वर आए इनके साथ क्या जोड़ देंगे हम, being जोड़ देंगे, जैसे is being, am being, are being, was being या were being। देखो is am are में से आप चेंज कर सकते हो, तीनों में से चेंज हो सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं जैसे यहां था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपने पूरा की पूरा चेंज करके क्या लिख दिया, इज एम आर लिख दिया, तो यहां आप कहीं ऐसा करो इज एम आर में बीइंग जोड़ने वाली बात है तो आप इज एम आर को तो बिल्कुल ही हटा दो और केवल क्या लिख दो बीइंग, ये हटेगा नहीं, ये बीइंग यहां से हटेगा नहीं, अपितु जुड़ेगा इज एम आर के साथ जुड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए वॉइस में आपका जो एक्टिव वॉइस है वहां दे रखा है ही इज और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, ठीक है, क्या है मी, जैसे मान लीजिए वहां दे रखा है he is, तो he के साथ तो ही जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है मी। अब अगर मी को हम यहां सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि इज का इज लिख दोगे यहां, इनमें से फिर आप लिख सकते हो एम, क्या लिख सकते हो एम, आई एम बीइंग, क्या रहेगा फिर आई एम बीइंग, इस तरह से आपको लिखना है, यानी हटाना नहीं है आपको बीइंग को जोड़ना है, ठीक है, यही हाल होता है हमारा हैज या हैव या हैड के साथ जहां हम बीइंग जोड़ते हैं। ये तो था एक टेबल के रूप में, मैं आपको सिंपल पांच लाइनें लिख के बता देता हूं इसको, वो और भी आपके लिए आसान रहेगा याद करना, ये उसके लिए मान लीजिए आप कहीं भूल जाते हो तो आप इसे अपने रफ पेपर पर ड्रॉ करके आप याद कर सकते हैं कि कौन सा चेंज किस में होगा और आप अपना आंसर ठीक से दे सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको यहीं नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं वो तरीका जहां आप याद कर सकते हैं, केवल पांच लाइनें हैं, पांच तरह के चेंजेस इसमें होते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं बीन जुड़ रहा है तो कहीं बीन और कहीं बी, ये तीन चीज तो इसमें जुड़ी रही है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, केवल दो चीज दो जगह ऐसी हैं जहां हमें अलग से चेंज करना पड़ रहा है, वो दो जगह हैं प्रेजेंट के सिंपल में और पास्ट के सिंपल में, प्रेजेंट के सिंपल में और पास्ट के सिंपल में वो दो जगह हैं जहां पे हमको अलग से चेंज करना पड़ रहा है। देखिए एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसआईएस या आपको डूडस नजर आ रही है तो सिंपल है कि किसमें चेंज होगा, एच एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव में आपको वर्ब की सेकंड या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट नजर आ रहे हैं तो देखो डिड किसमें आएगा मैं बता चुका हूं आपको पहले, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड का यूज करेंगे, डूडल किस में आएंगे सेम यही बात है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको डूडल्स नजर आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको यह बोल रहा हूं मैंने नॉट का यूज यहां नहीं किया है, आप समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है, क्योंकि डिड है तो मैंने यहां लगाया है इंटरोगेटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए भी, तीनों में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, अफर्मेटिव में यहां तो यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसआईएस और यहां यूज करते हैं केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पूरे प्रेजेंट सिंपल अगर आता है उसको किसमें चेंज कर देते हैं एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आप चेंज कर दोगे वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे, ठीक है। अगर आपको नजर आता है एज एम आर वाज या वर्ब तो इनको हटाएंगे नहीं, इनके साथ क्या जोड़ देंगे बीइंग जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे इनके साथ बीइंग जोड़ देंगे। अगर आपको नजर आता है हैज हैव हैड या विल हैव या शैल हैव
तो यहां हम जोड़ देंगे इनके साथ बीन, क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 में क्या है, एनी मॉडल, कोई भी मॉडल है तो आप क्या जोड़ दोगे उसके साथ, बी जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे, बी जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, ठीक है। तो क्या लगा देंगे उसमें, मॉडल के साथ बी लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सब में ही क्या काम आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। तो ये भी इजी है, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। आप इस तरह से भी इसको अपने नोटबुक में नोट करके, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 5 लाइनें हैं आपके पास, 5 सेंटेंसेस हैं, 5 टाइप में नाम चेंज हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें, नॉर्मल है, सिंपल है, अभी के अभी आपको याद हो सकता है अगर आप मतलब रिपीट करते हैं तो। कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस या डू याद आ जाता है तो क्या आएगा, भूलिएगा जरा, एस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता तो क्या आएगा बच्चों, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। एस एम आर या वॉज वर्ब आते हैं तो क्या आएगा बच्चों, इनके साथ, ध्यान देना, इनको हटाएंगे नहीं, इनके साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वे हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये आता है तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ भी हटाएंगे नहीं, इनके साथ क्या जाएगा, बीइंग जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे, ठीक है। यहाँ एनी मॉडल से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उस मॉडल को रिमूव नहीं करेंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे वॉइस, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट वीडियोस में इनके जो अलग अलग टाइप हैं, यानी अफर्मेटिव और सॉरी असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव में किस तरह से हम चेंज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। बाकी सब में फॉर्मूला यही होता है, आप ध्यान दे सकते हैं इसी का, ट्राई कर सकते हैं इस करके, आप अपने आप से सेंटेंस बना के ट्राई कर सकते हैं असर्टिव जो सेंटेंसेज हैं हमारे उनको चेंज करने का। मैंने आपको फॉर्मेट फर्स्ट में बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेज जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो जब उसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी बताया है इस तरह से चेंज होगी, और मेन वर्ब की हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और इसके अलावा क्या होगा, बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के हमारा सेंटेंस को पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।